फार्मर्स, आई एम आरएन मल्होत्रा एंड फिनफार्म में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही सिंपल सी यील्ड फार्मिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे खास बात क्या है, इसमें सिर्फ दो ही प्लेटफॉर्म्स इन्वॉल्व है, जो बाकी यील्ड फार्मिंग स्ट्रेटजीज की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है। एंड इवन इसमें आपका रिस्क फैक्टर भी कम है क्योंकि इसमें मेजरली स्टेबल कॉइन्स इन्वॉल्व है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपने डिवाइसेस निकाल लेते हैं। तो ये यील्ड फार्मिंग स्ट्रेटजी काम कैसे करने वाली है, आपको आवी पर जाके सबसे पहले स्टेबल कॉइन्स बोरो करना है एंड यही स्टेबल कॉइन्स आपको क्विक स्वैप पर ले जाकर इन्हीं के पेयर्स में लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है एंड जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो आपकी इनकम होने वाली है। अगर मैं अभी आवी पे चेक कर रहा हूँ तो डाई, यूएसडीसी और यूएसडीटी, इन तीनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.24, 1.6 एंड 3.47 है। ठीक है, वैसे यूएसडीसी का सबसे कम है, मैं यूएसडीसी ही बोरो करूंगा। यूएसडीसी बोरो करने के बाद मुझे क्विक स्वैप पर जाना है एंड इन्हीं के पेयर में लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। जैसे यूएसडीसी और यूएसडीटी के पेयर में मुझे 5% का एपीआर मिल रहा है, डाई और माए के पेयर में मुझे 7% का एपीआर मिल रहा है, यूएसडीसी और डाई के पेयर में 4% का एपीआर मिल रहा है। छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं, अगर मैं यूएसडीसी बोरो करता हूँ 1.6% पे, मैं उससे यहाँ पर 5% के एपीआर पे डिपॉजिट कर रहा हूँ तो 3.4% का एपीआर मेरी इनकम है। और अगर वही यूएसडीसी मैं डाई और माए में कन्वर्ट करके डाई माए के पेयर में लिक्विडिटी प्रोवाइड कर तो 7% का एपीआर मिल रहा है, तो इस केस में मेरी इनकम 5.4% हो जाएगी। एंड सिंस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेट ही इन्वॉल्व है तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल रहा है सारी की सारी हमारी इनकम ही है। एक चीज और, ये जो इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे रिसीव हो रहा है इसमें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी इंक्लूडेड है। जैसे यूएसडीसी यूएसडीटी के पेयर में आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स में डी क्विक टोकन्स और मैटिक टोकन्स मिल रहा है, डाई और माय में सिर्फ डी क्विक टोकन्स, यूएसडीसी और डाई में भी सिर्फ डी क्विक टोकन्स। अगर आप मेरी मानोगे तो मैं यहाँ पर यूएसडीसी और यूएसडीटी का पेयर ज्यादा प्रेफर करूंगा, हालांकि उसका इंटरेस्ट डाई माय पेयर से कम है क्योंकि यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा मैटिक टोकन्स मिल रहा है। तो अगर इन फ्यूचर ये मैटिक टोकन्स अपनी वैल्यू में अप्रिशिएट करते हैं तो वे 7% के भी इंटरेस्ट को बहुत ईजिली क्रॉस कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रखी है। लिक्विडिटी प्रोवाइड करते टाइम मैंने डाई लोन पर लिए थे क्योंकि जब मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी तब डाई का रेट ऑफ इंटरेस्ट यूएसडीसी से कम था, लेकिन ये वीडियो बनाते टाइम यूएसडीसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट डाई से कम है। तो अगर जिसको भी लेना हो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो आप वो लोन पर लेना एंड इवन आप बाकी इसको स्टेबल कॉइन्स में कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको स्टेबल, आप फॉर एग्जांपल यूएसडीसी ही लेते हो और आपको यूएसडीसी यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है तो आप अपने रिमेनिंग यूएसडीसी को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हो क्विक स्वैप का स्वैप फीचर यूज करके। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यूएसडीसी ही लेता एंड मुझे यूएसडीटी चाहिए होते तो मैं इसके थ्रू कन्वर्ट कर लेता, क्योंकि ये सारे स्टेबल कॉइन्स ही हैं तो इनकी वैल्यू हमेशा सेम ही रहती है, मतलब 1 USDC = 1 USDT = 1 DAI = 1 MAI एंड सो ऑन। तो अगर आप भी लोन पर लेते हो यूएसडीसी इस टाइम तो मैं रेकमेंड करूंगा आप अपने हाफ यूएसडीसी यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आई गेस यूएसडीटी पे, हाँ यूएसडीटी पे भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डबल है यूएसडीसी से। और जब आपको अपनी डेट वापस करनी पड़ेगी तो यही सेम यूएसडीटी आप वापस यूएसडीसी में कन्वर्ट करके अपनी डेट वापस कर सकते हो, लेकिन जब तक आप वापस नहीं करते आप बीच का इंटरेस्ट एज ए इनकम रख सकते हो। आपके लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के बाद आपको क्विक स्वैप में माई फार्म्स वाले सेक्शन में आपको अपनी लिक्विडिटी शो हो जाएगी। एक चीज का आपको ये भी ध्यान रखना है, जो फार्म सेक्शन है वो आपको V3 वाला यूज करना है, नॉट V2। V2 और V3 के फार्म्स अलग अलग हैं, तो आपको हमेशा V3 पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है क्योंकि वहीं पे ही आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे फार्म शो हो गए हैं जिनमें मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रखी है। तो ये थी हमारी सिंपल सी यील्ड फार्मिंग स्ट्रेटजी। मैं यहाँ पे एक वार्निंग देना चाहूंगा कि जब भी आप अपने एसेट्स के अगेंस्ट बोरो कर रहे हो तो कभी भी 40% लिमिट क्रॉस मत करना, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट्स वॉलेटाइल होती है एंड सडनली अगर मार्केट क्रैश होने लग जाती है तो आपका कोलैटरल लिक्विडेट हो सकता है। जैसे अभी मुझे दिखा रहे कि एसेट्स टू बोरो में मैं 275 डाई और बोरो कर सकता हूं, बट अगर मुझे बोरो करने होंगे तो मैं शायद 120 वाली लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा, ताकि मेरे पास इतना बफर रहे कि अगर मार्केट सडनली गिरने लग जाए तो मेरे पास इतना एडोकेट टाइम हो अपनी सारी पोजीशंस क्लोज करने के लिए। तो आप जब भी लीवरेज यूज कर रहे हो तो इसमें सोच समझ के यूज करना। ऑलराइट इन फार्मर्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर ये यील्ड फार्मिंग स्ट्रेटजी पसंद आई है तो वीडियो बंद करते ही ना थम्स अप वाला आइकन प्रेस हो जाना चाहिए, और ऐसे ही और कॉन्टेंट के लिए फिनफार्म को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।